हेलो दोस्तों, मैं हूं म्यूजिक वाले से रचित, और आज हम कौन सा गिटार खरीदे वाले सेगमेंट में आपके लिए एक नया गिटार लेकर आए हैं। अगर आप पीछे देखें तो हम आपके लिए पहले वीडियो में लेकर आए थे एक इंडियन गिटार, दूसरी बार हम आपके लिए लेकर आए थे एक महंगा इम्पोर्टेड गिटार, एक अच्छा गिटार, और तीसरी बार हम आपके लिए लेकर आए थे एक मीडियम रेंज का, हल्की रेंज का गिटार, चाइनीज़ गिटार, जो देखने में सुंदर होते हैं और बजाने में भी काफ़ी ठीक होते हैं। तो आज हम आपके लिए इस सेगमेंट में एक नई कैटेगरी लेकर आए हैं, सेमी अकोस्टिक गिटार्स की कैटेगरी। अब सबसे पहले सेमी अकोस्टिक क्या होता है? अकोस्टिक गिटार्स वो होते थे जिनकी आवाज़ सिर्फ उनके साउंड बॉक्स पर डिपेंड करती थी। जैसे भाई छोटी मोटी गैदरिंग है, 10-12 लोग, 10-12 भी ज़्यादा बोल गया मैं, 10 लोग हैं, तो अकोस्टिक गिटार से काम चल जाता था, साउंड बॉक्स से आवाज़ आती है, लोग सुन लेते हैं। लेकिन सोचिए अगर गैदरिंग हो जाए 50-60 लोगों की, तो आवाज़ सब तक नहीं पहुँचेगी। तब वहाँ काम आते हैं सेमी अकोस्टिक गिटार, जिन्हें आप किसी एम्पलीफायर में या स्पीकर्स में कनेक्ट करके और उनकी आवाज़ को एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कम रेंज का सेमी अकोस्टिक गिटार, चलिए देखते हैं। दोस्तों अपना ध्यान मेरी बातों पर रखिएगा, आसपास अगर आपको कुछ चीपों सुनाई देता है तो उस पर ध्यान कम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात जो है यहाँ हो रही है। तो अब आते हैं अपने गिटार पे, तो आपको दिखाते हैं हमारा गिटार। आज का हमारा गिटार है लो रेंज का सेमी अकोस्टिक गिटार तागेमा का। ये गिटार आपको मार्केट में 5000 से 65 तक की रेंज में मिल जाएगा। अब जैसे कि मैं आपको बात बता रहा था अकोस्टिक और सेमी अकोस्टिक का डिफरेंस, तो अकोस्टिक में आपको ये नहीं मिलेगा पीछे, ये क्या है, इसे हम कहते हैं जैक पोर्ट, नॉट जैक पॉट, जैक का पोर्ट। यहाँ पे जैक कनेक्ट होता है जो कि जाके एम्पलीफायर से कनेक्ट होता है। आप देख सकते हो इसमें दो टाइप के पिंस दिए हुए हैं नीचे। नीचे आपको एक और चीज़ दिख रही होगी, ये होती है बैटरी। अब बैटरी क्यों लगी हुई होती है इस पर हम आगे आपको ज़रूर बताएंगे। तो बैटरी की ज़रूरत पड़ती है हमें इसे चलाने के लिए। अब आप पूछोगे ये बड़ी सी चीज़ जो कि आज तक किसी गिटार में मैंने आपको नहीं दिखाई, ये क्या होती है? इसे कहते हैं इक्वलाइज़र। इक्वलाइज़र जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, साउंड को इक्वलाइज या स्टेबल करने के काम आता है। जैसे आपने एम्प से इस गिटार को कनेक्ट किया, गिटार की आवाज़ ऑब्वियसली एम्पलीफाई हो जाएगी, और उसके बाद अगर गिटार की आवाज़ तीखी आ रही है, कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तो उसको स्टेबल करने के लिए ये इक्वलाइज़र होता है। तो सेमी अकोस्टिक गिटार्स भी आपको दो टाइप के मिलेंगे, पहले जो विथ इक्वलाइज़र आते हैं और दूसरे जो विदाउट इक्वलाइज़र आते हैं। यानी उसमें सिर्फ आपको पोर्ट मिलेगा पीछे कनेक्ट करने के लिए, और वॉल्यूम का कंट्रोल आपको एम्पलीफायर पे छोड़ना पड़ेगा। यानी सारी स्टेबिलिटी डिस्टेबिलिटी सब कुछ वहाँ से होगा, यहाँ से कुछ कंट्रोल नहीं होगा आपके हाथ में। तो उसी के हिसाब से इसका रेट भी डिसाइड होता है। अब इक्वलाइज़र में भी बहुत वैरायटी आती है सेमी अकोस्टिक में, 2-बैंड इक्वलाइज़र, 3-बैंड इक्वलाइज़र। इसमें जो लगा है अगर आप पास आके देखें, ये 5-बैंड इक्वलाइज़र है, तभी इसका प्राइस थोड़ा सा ऊपर है। आते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस पे, जैसे मैं हर बार आपको बताता हूँ, ऊपर से शुरू करता हूँ क्राउन, फिर उसके बाद नेक, फिर उसके बाद नीचे आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये वही चाइनीज़ इंपोर्टेड गिटार है जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अंदर से ये वही 4000 की रेंज का गिटार है, बस इसमें इक्वलाइज़र और इसे सेमी अकोस्टिक कर दिया गया है, जिसके कारण इसकी रेंज 5000 से 6000 के बीच में पहुंच जाती है। तो डिफरेंस कुछ नहीं है, साउंड क्वालिटी वही है, ऊपर से है ये गिटार पूरा प्लाई का, सॉलिड टॉप नहीं है, तो ये है एक इंपोर्टेड चाइनीज गिटार बट विथ इक्वलाइजर एंड सेमी अकोस्टिक। तो जितने भी ब्रांड्स मैंने आपको बताए थे, स्पेक्ट्रम हो गया, कैप्स हो गया, क्रूसेडर हो गया, या जो भी, उनमें आपको सेमी अकोस्टिक अगर आप लेते हो तो प्राइस रेंज सिर्फ बढ़ जाती है, किस कारण? इक्वलाइजर और पिकअप के कारण। तो जिनमें इक्वलाइजर नहीं होगा उनकी रेंज थोड़ी कम होगी, इक्वलाइजर के साथ और बढ़ जाएगी। और एक चीज़ इसमें साथ में होती है, ट्यूनर। तो आप अगर गिटार बजाते हैं तो आपको पता होगा, आप फ़ोन की ऐप से ट्यून करते हो या अलग ट्यूनर लेके ट्यून करते हो, इसको ट्यून करने के लिए आपको ट्यूनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों हमने डिस्कस किया आज एक कम रेंज का तागेमा का सेमी अकोस्टिक गिटार। अब इसके अदर स्पेसिफिकेशंस, इसके फ्रेटबोर्ड पे रोजवुड लगी है, हल्की क्वालिटी की है, ये सारी चीज़ें मैं आपको चाइनीज़ गिटार के वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मुझे उसे रिपीट करने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगता, आप देख सकते हो। तो अभी मुझे काफ़ी कमेंट्स आए पीछे, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि यार भाई गिटार के बारे में सब बता देते हो, बजा के भी दिखाया करो। तो आज चलिए हम इस समय अकोस्टिक गिटार को बजा के देखते हैं कि साउंड क्वालिटी कैसी है इसकी। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसका ट्यूनर कैसा है, पास में आइए। ये रहा इसका ट्यूनर, मैंने इसे ऑन कर दिया है, आप देख सकते हो एक एक स्ट्रिंग में प्ले करता हूँ तो मैं इसे आराम से ट्यून कर सकता हूँ।
देखते हैं कि इसकी आवाज़ कैसी है। मेरे साथ है फेंडर का एम्प, इसे मैंने कनेक्ट किया तागेमा को, और अब देखते हैं। देखते हैं इक्वलाइजर क्या करता है इसका। तो हम आप नोटिस करोगे आवाज कम शार्प हो गई। आवाज को अगर शार्प करें हम, तो इक्वलाइजर का काम दोस्तों आपको इस डेमोंस्ट्रेशन से समझ में आ गया होगा। बाकी गिटार की आवाज मुझे तो बहुत प्यारी लगी इसकी। तो ये था डेमोंस्ट्रेशन आज हमारा ताकेमा का गिटार का। ताकेमा का गिटार हमारा एक लो रेंज सेमी अकोस्टिक गिटार था। ये गिटार उन लोगों के लिए अच्छा है जो शुरू कर चुके हैं, उनका बजट ज़्यादा नहीं है, 12-15 हज़ार तक नहीं है, क्योंकि सही बताऊँ इम्पोर्टेड अच्छे सेमी अकोस्टिक गिटार्स लेने हैं आपको तो आपको 12-15 हज़ार तक जाना पड़ेगा। पर वो लोग जो छोटी गैदरिंग्स में प्ले करते हैं, 50-60 पीपल अप्रॉक्सीमेटली, कॉलेज बैंड्स में प्ले करते हैं और बजट अभी इतना नहीं है, तो ये गिटार, इसकी आवाज़ बहुत प्यारी है और आपको सेमी अकोस्टिक का पूरा फीलिंग देता है, तो ये गिटार आपके लिए बहुत अच्छा है। आप इसे बड़े प्यार से यूज़ कर सकते हैं और ऑब्वियसली हमेशा का डायलॉग है मेरा, अपग्रेड तो कभी भी कर सकते हो। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ, जाके इस खूबसूरत चीज़ को थोड़ा और ट्राई करता हूँ। तो आप तब तक ये आसपास जो आपको लेसन्स दिख रहे हैं इन्हें देखिए और सीखिए, और भी चीज़ें आप सीख सकते हैं। और अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा एक अच्छा इम्पोर्टेड सेमी अकोस्टिक गिटार। एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ मिली है मुझे मार्केट में, जो मुझे भी लेनी है एक्चुअली। तो अगले लेसन में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।